नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टेक डीआईवाई चैनल पे। और आज हम टूल सेशन में देखेंगे कि कोड रीडेबिलिटी एक्सपीरियंस को कैसे बेहतर किया जा सकता है और कौन से ऐसे इंडस्ट्री फेवरेट प्लगइन्स हैं जो बड़ी बड़ी जेसन फाइल्स की पार्सिंग और उनको सर्चिंग में के काम को आसान बना सकते हैं। और ये प्लगइन्स जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम मैट थीम्स का यूज़ करेंगे, रेनबो ब्रैकेट्स बताएंगे, जेसन यूटिल्स और जेसन पार्सर बताएंगे। जेसन यूटिल्स एक ऐसा प्लगइन है जिसका इस्तेमाल करके हम बड़ी बड़ी जेसन फाइल्स को में बड़ी ही आसानी से कम शब्दों में अपना कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। जैसे कि एक घास के ढेर में एक सुई को ढूंढने का काम है, वो भी हम इसमें कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। तो जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने डबल टू टाइम्स शिफ्ट को प्रेस किया तो और प्लगइन लिखा तो ये प्लगइन पॉपअप हमारे सामने खुल गया है। और मैट थीम्स जो मैं आपको बोल रहा था, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बोर हो चुके हैं सिंपल डार्क्यूला को यूज़ करते करते इंटेलीजे में, तो आप मैट थीम को एक ट्राई दे सकते हैं। और मैट थीम के अंदर कई सारी बिल्ट इन थीम्स आती हैं, जिसमें कि ओशियन मैट ओशियन है, एटम डार्क, एटम लाइट, मतलब तकरीबन 14-15 ऐसी थीम्स हैं जो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और यकीन मानिए, आप यू विल लव दैट दोज थीम्स। ठीक है, अभी जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, हम इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह भी पढ़ सकते हैं यहीं पे। और अभी हम आपको चेंज करके बताएंगे। हमने ये थीम पहले से इंस्टॉल कर रखी थी, तो जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ये कैसे किया जा सकता है, इसलिए हमने प्लगइन में इसको दिखाया। तो कुछ नहीं है, आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे और आईडी को रीस्टार्ट मांगेगा, वो रीस्टार्ट करने के बाद आपकी ये थीम्स वर्क करने लगेगी। और ये वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो काफ़ी आसान कॉन्फ़िगरेशन है। आप वन बाय वन विज़र्ड को फॉलो करके उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी थीम्स अभी ऐड हुई है हमारे साथ सामने मैट को इंस्टॉल करने के बाद, मटेरियल थीम्स को इंस्टॉल करने के बाद। तो अभी हम अप्लाई करके देखते हैं। अभी हमने एक थीम अप्लाई की हुई है, दैट इज़ ओशनिक मटेरियल, ओशनिक थीम। मुझे काफ़ी पसंद आया था इसका कलर और फॉन्ट कलर और फॉन्ट स्टाइल वगैरह बहुत अच्छी लगी, तो मैंने अभी ये थीम सेलेक्ट की हुई है। अगर आपने विजुअल कोड बेसिक या एटम एडिटर वगैरह यूज़ किए होंगे तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना प्यारा लगता है। मतलब आपको अपने कोड करने में एक अलग मज़ा आएगा जब आप कलरफुल एडिटिंग देखेंगे। तो ये भी एक इफ़ेक्ट है जो माइंड पे होता है। अगर हम डल कलर्स देखते रहते हैं तो माइंड एक पॉजिटिविटी आनी चाहिए, तो वो थोड़ा हम बोर हो जाएंगे करते करते और जल्दी अपना सीट छोड़ के जा सकते हैं। इंस्टीड अगर हम कलरफुल थीम्स यूज़ करेंगे तो इसका एक तो रीडेबिलिटी अच्छी रहती है, चीज़ों को आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फंक्शंस मेथड सबको, तो वो एक चीज़ है। और उसके साथ साथ जैसे अभी ये लोड हो रहा है, हमने अभी डार्क्यूला थीम है, मटेरियल डार्क्यूला थीम है, और इसको अभी हम आपको थीम्स को कैसे चेंज करते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मटेरियल थीम है, मेरा आईडी रीस्टार्ट हुआ है, अभी लोड हो रहा है। हाँ, अपन नोटिफिकेशन को भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो ये जो नोटिफिकेशन बबल है ये खुलेगा आपका आईडी ये प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद। तो यहाँ पे हम नोटिफिकेशन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी थीम के हिसाब से। ठीक है, तो ये हम यहाँ कर सकते हैं और ये सारे ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। और हाँ, एक और प्लगइन है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है,
वो है रेनबो ब्रैकेट्स, जो काफ़ी छोटा प्लगइन है और काफ़ी आप देखेंगे तो बहुत छोटी सी चीज़ करता है, लेकिन ये जो छोटी सी चीज़ है ना ये बहुत पावरफुल है। पावरफुल कैसे है? रेनबो ब्रैकेट्स। अच्छा, रेनबो ब्रैकेट्स क्या करता है? रेनबो ब्रैकेट्स क्या करता है कि जो नेस्टेड ब्रैकेट्स हैं, हर एक ब्रैकेट को एक डिफरेंट कलर से आइडेंटिफाई कराता है। ठीक है, तो जब आप कोड देखेंगे तो आप मतलब आपका दिमाग अपने आप रिएक्ट करेगा कि हाँ, अगर येलो से शुरू हुआ है, येलो ब्रैकेट शुरू हुआ है तो येलो ब्रैकेट से ही एंड होगा। तो आप काफ़ी इजीली बड़े बड़े मतलब कई सारी बड़ी बड़ी फाइल्स को आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जैसा कि आप लाइन नंबर 16 और लाइन नंबर 18 में देख पा रहे हैं। ये रेनबो ब्रैकेट्स करता है, जो कि वैसे तो काफ़ी छोटा काम है, लेकिन जब एक्चुअल में आप कोड देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा फील होगा कि आपको पढ़ने और में मज़ा आएगा, कोड पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, अभी जैसे हमने 2 टाइम्स थीम पे प्रेस किया और ये हमारा थीम पॉपअप खुला है, तो अभी आप देखेंगे किस तरह से थीम्स चेंज होती है। और ये काफ़ी डायनेमिक है, डायनेमिक बोले तो एकदम जैसे जैसे हम उस पे क्लिक करते जाएंगे थीम्स चेंज होती जाएगी, पीछे पॉपअप के पीछे आपको थीम चेंज होती हुई दिखाई भी देगी। ठीक है, ये सारी थीम्स अवेलेबल हैं। अभी ये थीम वाला लिस्ट आ गई है मेरे पास। अभी जैसे जैसे मैं क्लिक करता जाऊंगा, वैसे वैसे यहाँ पे थीम चेंज होती जाएगी। देखिए, ये इंटेलिजे का यूजुअल जो डार्क्यूला थीम था वो है, ये ओशन, ये एटम एडिटर वाला डार्क है। और मतलब काफ़ी सारे वेरिएंट्स हैं यहाँ पे, आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप डेफिनेटली मतलब आप इसे पसंद करेंगे ही करेंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब मैंने पहली बार इसका यूज़ किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था इसका यूज़ करना, और काफ़ी एक्स्ट्रा टाइम तक मैं उस कोड को देख पाया था। तो मुझे काफ़ी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपको ये काफ़ी अच्छा लगेगा, इस पे काम करना अच्छा लगेगा, और मतलब एक पॉजिटिविटी आती है कलर्स से, तो वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो अभी अगले प्लगइन्स और भी हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे ये प्लगइन्स हम लोगों ने इंस्टॉल किए हुए हैं अपने आईडीई में, और मेनली आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, दूसरा जो बात जैसे मैंने शुरू में बताया था, मटेरियल थीम्स, रेनबो ब्रैकेट, इनके अलावा जेसन यूटिल्स और जेसन पार्सर्स हैं, तो उनका भी एक एक डेमो हम आपको दिखाएंगे। ये रेनबो ब्रैकेट्स का बताया हुआ है, कोडोटा के द्वारा बनाया हुआ है रेनबो ब्रैकेट्स। तो कोडोटा एक बहुत ही फेमस प्लगइन्स बनाने वाली वाला ग्रुप है आप कह सकते हैं, तो ये लोग काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो कोडोटा का हम ये प्लगइन यूज़ कर सकते हैं अपने आईडी में, जो कि रेनबो ब्रैकेट्स है। इसके अलावा अभी हम, हाँ, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं नोटिफिकेशंस पाने के लिए सबसे पहले। अभी हमने जैसा कि मैं पहले कह रहा था, तो सपोज आपके पास एक बहुत बड़ी जेसन फाइल है, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी जेसन फाइल लिखी है, बट इस तरह की जैसे यहाँ पे एक एरे है, मैसेज एरे, यहाँ पे कई सारे मैसेजेस, हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस है, सपोज कीजिए हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस है, और उसमें आपको अपना कुछ सर्च करना है, अपना मतलब कोई पर्टिकुलर मैसेज आपको सर्च करना है वहाँ पे, तो आप कैसे करेंगे? तो ये एक साइट है, ऑनलाइन टूल है, जेसन क्वेरी टूल करके, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जेसन क्वेरी टूल का, और ऑनलाइन अपने कंटेंट को यहाँ पे पेस्ट करके और उसको उसमें ये क्वेरी पेन में हम क्वेरी लिख सकते हैं। ये जेसन क्वेरी है, सिंपल जेसन क्वेरी है, तो यहाँ पे जेसन क्वेरी लिख के, और जो जेसन क्वेरी हम वहाँ लिखेंगे उसका आउटपुट हमको नीचे आउटपुट पैनल में मिल जाता है। और ये दूसरा जो प्लगइन है, ये प्लगइन क्या, दूसरा जो ऑनलाइन जेसन एडिटर है, बेसिकली ब्यूटीफायर है, जेसन ब्यूटीफायर। तो आई थिंक अगर आप जेसन यूज़ करते होंगे अभी तक, तो हो सकता है आपने ये कई बार यूज़ किया हो। अगर मैं कहूँ कि ये चीज़ हमें प्लगइन के तौर पे हमारे आईडीई के अंदर भी मिल सकती है, तो है ना वो एक एक्साइटिंग चीज़। तो ये होता है, ये मिलता है प्लगइन के तौर पे,
और आज हम वो भी कवर करेंगे। तो ये देखिए आप कितना ब्यूटीफाई कर दिया है इसने और वैलिडेट भी किया है, जैसे कि यहाँ पे हम ये कोट हटाते हैं तो वो वैलिडेट भी करता है। सेम चीज़ सेम फंक्शनैलिटी बिना आपको अपना डेटा कहीं पे अपलोड किए अगर चाहिए तो हम प्लगइन एज ए प्लगइन उनको आईडी में ऐड कर सकते हैं और उस केस में आपको किसी भी तरह का डेटा थेफ्ट का से डरने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम सीधा अपने आईडी में रहते हुए ही इंटेलिजेंस में रहते हुए ही अपना वैलिडेशन कर रहे हैं, जेसन वैलिडेशन और जेसन सर्चिंग करेंगे। तो अभी ये हमने जेसन यूटिल खोला है, शॉर्टकट था कंट्रोल कमांड ई मैक पे और कंट्रोल ई विंडोज़ पे, जो कि टैब नेविगेशन प्रोवाइड करता है। जो जितने भी टैब्स खुले हुए हैं, टैब्स और व्यूज़, उन पे आप हम नेविगेट कर सकते हैं कंट्रोल ई करके। जैसे अभी हम एक जेसन फाइल सिंपल लिखने जा रहे हैं, की और वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं और इसके अलावा एक एरे बना लेते हैं। एरे में कुछ मैसेजेस डाल देते हैं जो कि जैसे कि आप लोगों ने सही समझा, हमारा फर्स्ट मैसेज होगा क्या होगा, हमारा फर्स्ट मैसेज है एरे में, फर्स्ट मैसेज ऑब्जेक्ट है टारगेट। और जैसा कि आप सबको पता है, अगर आप फॉलो कर रहे हैं मुझे तो आपको पता होगा, हमको टेक डीआईवाई को 100K सब्स पे तो ले जाना ही है। सबसे पहला माइलस्टोन हमारा वही होने वाला है, तो 100K सब्स टारगेट, 100K सब्स। तो उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए, आप इसी तरह से जितना प्यार आप अभी दे रहे हैं हमें और भी देते रहें, हम और आप मिलकर सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसी के साथ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। और दूसरा मैसेज हम देने जा रहे हैं सब्स, तो यस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपनी प्रॉब्लम्स भी यहाँ शेयर करें, हो सकेगा तो हम वो उन्हें भी उनके भी सॉल्यूशंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमने एक जेसन फाइल बनाई है और इसमें अब हम जेसन पाथ, यहाँ जेसन पाथ में हम सिंपल डॉलर करके इस तरह से हम यहाँ पे पाथ देते हैं, डॉलर डॉलर डॉट, और इसके बाद हम की लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। की लिखा हमने मैसेज अरे, तो ये देखिए मैसेज अरे लिखते ही कि उसने दोनों मैसेजेस जो थे यहाँ पे शो करने लग गया, ठीक है। अभी इन दोनों में से कोई पर्टिकुलर, क्योंकि दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एक टारगेट ऑब्जेक्ट है, एक सब्स ऑब्जेक्ट है, अगर हमको उन दोनों में से कोई सर्च करना है तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैसेज आपने देखा, टारगेट हमने लिखा तो टारगेट 100K सब्स आ गया, वो भाई साहब भी आ गए अपना आइडिया वाले, व्हाट एन आइडिया सर जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप टारगेट लिखेंगे तो ये टारगेट वाला ऑब्जेक्ट इसने शो किया, और अभी सब्स लिखा तो सब्स वाला शो कर दिया। और यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी है, अगर अपना जेसन फॉर्मेटेड नहीं है तो हम फॉर्मेट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो फॉर्मेटेड भी आ जाएगा, मतलब प्रॉपर स्पेसिंग और इंडेंटेशन भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो एक छोटा सिंपल जेसन है, बट रियल लाइफ में आपके पास हो सकता है आपका API थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स रिटर्न कर रहा हो, तो उस केस में इस तरह के टूल्स काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये एक तरह से घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है, तो वही काम ये टूल करता है, और ये काफ़ी अच्छा टूल है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मतलब एक बहुत ही ह्यूज जेसन फाइल थी, उसमें भी काफ़ी इजीली ये सर्च कर पा रहा था। तो ये एक टूल है, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम इसको फॉर्मेट करेंगे। हाँ, ये हमारा पार्सर है। तो पार्सर बेसिकली क्या करता है, जेसन पार्सर हर एक की वैल्यू पेयर को कंपेयर करता है, हर एक चीज़ को, पूरा जेसन को, जेसन फाइल को उठाता है और उसको चेक करता है अगेंस्ट सम रूल्स, तो जो जेसन के रूल्स हैं उसके हिसाब से उनको चेक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जेसन पार्सर जो है दोनों काम करता है, पहले ब्यूटीफाई भी करता है और वैलिडेट भी करता है। वैलिडेट करना मतलब कोई गलती, कोई एरर तो नहीं रह गई है अपने जेसन में, अगर रह गई है तो वो वहीं पे, यहाँ पे अपन उसको
देख सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे जेसन को और पार्ट्स पे क्लिक करेंगे तो ये हमको बता देगा कि कौन सी लाइन में कहाँ पे एरर आई है। तो ये काफ़ी हैंडी है, हमको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा, किसी ऑनलाइन टूल पे नहीं जाना पड़ा, सीधा एक व्यू जो हमारा ऐड हुआ है प्लगइन के थ्रू उस व्यू में गए, जेसन पेस्ट किया और फॉर्मेट पे क्लिक पार्ट्स पे क्लिक किया तो उसने वैलिडेट भी कर दिया। और नीचे जो ये रेडियो बटन्स बने हुए हैं इनके थ्रू हम प्रेटी रॉ या ट्री की फॉर्म में अपने जेसन को देख सकते हैं, जेसन फाइल को देख सकते हैं। तो दोस्तों प्रोडक्टिविटी प्लगइन्स का आज का सेशन आपको हमारा कैसा लगा हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से अधिक जिज्ञासु विद्यार्थियों तक पहुँचाएँ। और इसी के साथ जीवन का भरपूर आनंद लें और स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद, जय भारत।